हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो एज 40 न्यू 5G फ़ोन है, तो मोटो एज 40 न्यू 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कैसे आप नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे अपने मोटो एज 40 न्यू 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है और स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स हमारे फ़ोन में कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। देख सकते हैं कि ओपन हो गए, तो इसमें से आपको जाना होगा सेटिंग्स आइकन पे। तो क्लिक करते ही मोट फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। सेटिंग्स ओपन होते ही जो हमारे फ़ोन में नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम है सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सिंपली आपको स्लाइड करके सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है। सिस्टम सेटिंग्स पे आपको रीसेट ऑप्शंस को ओपन कर लेना है, फिर यहाँ से रीसेट एंड नेटवर्क सेटिंग्स पर जाना है, जिसके जरिए आप नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली इस पर जाना है और जो भी सेटिंग्स है उसको रीसेट कर देना है, और जो भी आपकी नेटवर्क इंटरनेट की सेटिंग्स से रीसेट हो जाएगी और नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं मोटो एज 40 न्यू 5G फ़ोन में। और सिंपली आप सर्च करते हैं जैसे नेटवर्क सेटिंग्स, तो नेटवर्क सेटिंग्स से आप तरह से सर्च करके भी जा सकते हैं और जो भी नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम है इसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करके। तो इस तरीके से आप नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में जैसे आपके और भी ऑप्शन आपके फ़ोन में शो होते हैं, जैसे ऐप परफॉर्मेंस सेटिंग जिसको रीसेट कर सकते हैं यहाँ से और रीसेट करते हैं। जैसे आप फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करना चाहें इरेज़ और डाटा, तो यहाँ से आप कर सकते हैं और फ़ोन को पूरी तरीके से फैक्ट्री रीसेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं मोटो एज 40 न्यू 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।